जय हिंद दोस्तों। आज जो है मेरे पास एक नेक बेड आया हुआ है रिपेयर के लिए, है ना। तो इसको हम ठीक करने वाले हैं। और इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये जो है आवाज़ नहीं दे रहा है ना, ये जो आवाज़ नहीं दे रहा है। तो दोस्तों देखो, हम इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे जितना सिंपल हो सके सिंपल वे में बताएंगे, ठीक है। ज़्यादा जो है मतलब मिस्त्री टाइप का जो होता है उस तरह से नहीं बताएंगे एकदम। आप कोशिश करोगे तो आप भी जो है, आप एक मिस्त्री नहीं हो फिर भी आप बना सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम कोशिश करेंगे ज़रूर। देखो इसमें जो है दोनों नहीं बज रहा है। अगर आपका एक भी ना बजे, ठीक है, तो सबसे पहले ये कंफर्म करना है कि कौन सा नहीं बज रहा है, ठीक है। ये कंफर्म हो गया कि कौन सा नहीं बज रहा है, उसको जो आपको क्या करना है, खोलना है। अब खोलना क्या है, जैसे मान लीजिए ये नहीं बज रहा है, ठीक है, तो इसको आपको घेरा लगा दिए, ठीक है, ये नहीं बज रहा है, इसको हमें खोलना है। वैसे तो इसमें दोनों नहीं बज रहा है ना, तो इसको क्या करना है, इसको यहाँ से जो है ओपन करना है। ये देखिए हम ओपन कर दिए हैं, और यहाँ से जो है इसका सोल्डिंग खोलना है। तो चलिए हम सोल्डिंग भी खोल देते हैं। देखिए खोल दिए हैं। अब इसको चेक करते हैं जो यहाँ से जो स्पीकर लगा हुआ है, ये सही है क्या नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लाइट टेस्टर का जुगाड़ करना पड़ेगा। आपको लाइट टेस्टर जो है मार्केट में इजिली मिल जाएगा, जैसे मेरे पास है लाइट टेस्टर, है ना। तो देखिए जल रहा है, और यहाँ चेक करते हैं कि ये काम करता है कि नहीं करता है, है ना। ये देखिए ये जो है नहीं जल रहा है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये जो इसका तार यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं ना कहीं जो है आपका गड़बड़ है, है ना। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको बारीकी से देखोगे ना तो आपको कुछ ना कुछ पता चल जाएगा कि कहाँ से प्रॉब्लम है। देखिए ये जो है, देखिए अक्सर होता है क्या कि देखिए यहाँ से जैसे ये यहाँ लगा ना, तो यहाँ से प्रॉब्लम रहता है ना, यहाँ से, क्योंकि यहीं से झुकता है, यहाँ से प्रॉब्लम रहता है, या नहीं तो यहाँ से प्रॉब्लम होता है। तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ से प्रॉब्लम है, इसको क्या करना है, काट देना है। कट कर दिया ना, और यहाँ से जो है तार हमें छीलना है इसका। चलिए हम तार भी छील देते हैं। वैसे आपको सोल्डिंग आयरन से छीलोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए आपको इस तरह से बड़का देना है। और देखो दोस्तों इसमें क्या होता है कि पेंट लगा हुआ रहता है ना, ऐसे आप सोल्डिंग करोगे तो सोल्डिंग नहीं होगा। तो इसको क्या करना है कि आपको मैं दिखाता हूँ किस तरह से करना है। देखिए एक दो लोहा ले लिए हैं, है ना, और यहाँ से इसका तार में सोल्डर लगा के जो है यहाँ से कुछ देर रखना है इसको इस तरह से। देखिए ना इसका क्या होगा, इसका जो कलर होता है ना इसके ऊपर, ये कलर जल जाएगा ऑटोमेटिक, है ना। और इसमें जो है सोल्डिंग लग जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो है ऊपर का वायर रहता है, ऊपर से जो क्या होता है पेंट क्या उड़ाता है ना। क्योंकि पेंट इसीलिए क्या उड़ाता है, क्योंकि दोनों जो है सटा हुआ तार आता है कि नहीं। अगर पेंट क्या हुआ नहीं रहेगा तो दोनों एक दूसरे में सड़ जाएगा तो प्रॉब्लम होगा, है ना। इसलिए जो है पेंट क्या उड़ाता है ये सब वायर में। ये देखिए है ना, ये जो है निकल गया। और इसको जो यहाँ से जो है क्या करते हैं, इसका स्पीकर को खोलते हैं। ये देखिए खुल गया है ना। और यहाँ से जो है इसको हम खोलते हैं, खुल गया है। अब ये चेक करना है कि आपका स्पीकर सही है क्या नहीं है। तो चलिए हम लाइट टेस्टर से चेक कर लेते हैं, स्पीकर सही है। अब यहाँ से जो है हम वायर जो है लगा के देखते हैं, पहले हम इसके अंदर डाल देते हैं, है ना। ये देखिए डाल दिया, और यहाँ से जो है बेंड कर देना है ताकि निकले नहीं आगे, है ना। देखिए अब यहाँ फोल्डिंग कर दिए हैं, है ना। अब यहाँ फाइनली चेक करते हैं कि यहाँ जो है कंटिन्यूटी बताता है कि नहीं बताता है। देखिए अभी भी यहाँ नहीं बता रहा है, यहाँ अभी भी नहीं बता रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो है तार बिल्कुल खराब ही है। ये जो तार है ना, ये शायद तार और भी कहीं से खराब होगा। अब मान लीजिए फिर से काटेंगे ना तो क्या, वो छोटा हो जाएगा कुछ ज़्यादा। इसमें क्या करना है, ईयरफोन जो है आपको ईयरफोन मार्केट में इजीली मिल जाएगा, या आपके पास खराब ईयरफोन होगा ना तो वो काट के आप इजीली लगा सकते हैं। फिर से हम चेक कर लेते हैं कि ये ठीक हुआ या नहीं हुआ। देखिए अभी भी नहीं बता रहा है। तो बस इसमें कुछ नहीं करना है, दूसरा ईयरफोन जो है आपको लगा देना है ना। तो चलिए हम इसको भी खोलते हैं, और इसका देखिए दोस्तों इसका जो है तार टूटा हुआ है ना। तो आप ये बताओ, तार तो मान लो हम जोड़ देंगे, पर एक ये तो पूरा खराब है, और ईयरफोन जब हम दूसरा लगाएंगे तो कलर जो है अलग अलग हो जाएगा। तो इससे अच्छा क्या होगा कि दोनों का वायर जो ईयरफोन में दो वायर आता है ना, तो दोनों को हम चेंज कर देंगे, है कि नहीं। तो चलिए हम ईयरफोन कोई और ईयरफोन लगाते हैं। तो ये देखिए मेरे पास जो है ईयरफोन जो है, और इसी को जो हम लगाने वाले हैं। ये देखिए आप मार्केट से जो है आप इजली खरीद के लेके आ सकते हैं। तो चलिए हम जो है यहाँ से ईयरफोन जो है खोल देते हैं इसको।
ये देखिए हम जो है तार जो है कट कर दिए हैं, और ये सभी तार को क्या करते हैं इसमें सोल्डिंग कर देते हैं, है ना। तो चलिए हम यहाँ से जो है इसको सोल्डिंग करते हैं। तो बस क्या करना है, आपको सोल्डर ले लेना है और बस इसमें जो है कुछ देर तक जो सटा के रखना है। ये देखिए है ना, सोल्डिंग जो है पकड़ लिया है, आई मीन तार को जो अलग अलग कर दिए हैं। अब ये चेक कर लेते हैं कि ये तार तो ये भी तो खराब नहीं है ना, देखिए ये बता रहा है, और इसको भी चेक कर लेते हैं, ये भी बता रहा है ना, तो बता रहा है। तो दोस्तों अब बस इतना ही करना है, जैसे आप खोले थे वैसे आपको फिट कर देना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से एक तार यहाँ लेना है और यहाँ से जो है हमको बेंड कर देना है ना, काट देते हैं ताकि दूसरे में सटे ना, ठीक है। नहीं तो देखिए दोस्तों यहाँ जो हम सोल्डिंग कर दिए हैं, है ना, बस सोल्डिंग कर दिए हैं, तो आराम से जैसे आप खोले थे वैसे आपको फिट कर देना है। ये देखिए फिट हो गया है, है ना, ये फिट हो गया, ये एक हो गया। अब दूसरा में जो सोल्डिंग करते हैं, ठीक है। देखिए अब एक बात का ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, हम तो सोल्डिंग इसी जगह करेंगे ना, यहीं करेंगे ना, इतना बड़ा तार तो मतलब फालतू का हो जाएगा, क्योंकि ये जो है छोटा बड़ा हो जाएगा। तो इसको क्या करना है, थोड़ा सा दूर तक काट देना है, ठीक है, यहां तक काट देते हैं, कट कर दिए, और यहां से आपको छील देना है, छील दिए हैं। बस इसका इसमें भी जो है पेंट आपको देखिए हो गया अलग अलग, और यहां से जो आपको सोल्डिंग कर देना है। तो देखो दोस्तों हम जो है सोल्डिंग कर दिए हैं, और एक बात ध्यान देना आप, ठीक है, यहाँ पे बैटरी का प्लस माइनस भी है, ठीक है, तो आप जरूर ध्यान देना कि स्पीकर का कौन सा, बैटरी का कौन सा है, है ना। तो इसको भी क्या करते हैं हम, इसका इसमें बेंड लगा देते हैं, देखिए इस तरह से बेंड लगा देते हैं, और बस ऐसे जैसे खोले थे वैसे आपको फिट कर देना है। ये देखिए बेंड कर दिए हैं, लगा दिए हैं, और देखिए इसको ऑन कर देते हैं, देखिए ऑन हो रहा है। और दोस्तों ये जो है बिल्कुल 110% काम करेगा, और इसमें कुछ होता ही नहीं है दोस्तों, है ना, जो आपको ज़्यादा परेशानी करेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।